हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कबीरा क्लासेस। लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड लेसन ऑफ 8th क्लास, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस लेसन में फर्स्ट डेफिनेशन, एंड दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दीज आर द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विथ कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जिन्हें हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में आता है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से ग्रुप्स हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिकली अगर हम देखें तो 5 ग्रुप्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप्स हैं। इसके बाद में हम आते हैं कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें हम जर्म्स और पैथोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, जैसे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के अंदर रोड से बैक्टीरिया, स्पायरल बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया आते हैं। फंजाई में हम यीस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम ले सकते हैं। एल्गे के एग्जाम्पल में क्लैमाडोमोनस, स्पायरोगायरा, और प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम्स आते हैं। वायरस के एग्जाम्पल में इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियोफेज आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर, नेचर में हर जगह आपको मिलते हैं, जैसे इन एयर, वाटर एंड सोयल, इन आइस कोल्ड क्लाइमेट, डेजर्ट, मार्शी लैंड्स, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग के अंदर मिलते हैं, इन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो मरी हुई वस्तुएं हैं उनके अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं। पहला टॉपिक, इट हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ फूड आइटम, जैसे कर्ड, ब्रेड एंड चीज़। इनको बनाना हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लेते हैं, जैसे इन मेकिंग ऑफ कर्ड। दही बनाने में एक बैक्टीरिया काम आता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ऐसे ही जब आप ब्रेड, केक्स, पेस्ट्री, इडली, डोसा बनाते हैं, इनकी फॉर्मेशन में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है जिसको हम यीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। एल्कोहल, वाइन और विनेगर सभी को बनाना हो तो उसके लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इट हेल्प इन द इंक्रीजमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कई सारी मेडिसिन बनाने में काम आता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और कुछ वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट यूज है फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करता है। एंड लास्ट वन इज इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज की ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन क्या है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, देखिएगा, फर्मेंटेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल। जब आप शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट सेल, तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव एंटीबॉडीज़ क्या हैं। एंटीबॉडीज़ आर द मेडिसिन, ये वो मेडिसिन है विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देती है या उनको स्टॉप कर देती है। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन जो है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जो वैक्सीन होती है स्मॉल पॉक्स के लिए, जो वैक्सीन है वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बनाई इन 1798। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे। तो पहला टॉपिक हम लिखेंगे, दे कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग, एनिमल और प्लांट।
इन सभी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे स्पॉइल द फूड क्लॉथ एंड लेदर, वो फूड क्लॉथ और लेदर को स्पॉइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम कॉमन ह्यूमन डिजीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कौन कौन से डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम चलते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया की वजह से कालेरा, टाइफाइड और टीबी हो जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। वायरस की वजह से मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड एंड कफ, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से डाइसेंट्री, मलेरिया होता है। फंजाई की वजह से कॉमन स्किन डिजीज जैसे रिंगवर्म, दाद, खुजली, ईटीसी हो जाते हैं। इसके बाद में है सम कॉमन डिजीज विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की वजह से सिट्रस कैंकर या फोड़ा रोग जो होता है, फंजाई की वजह से रस्ट ऑफ वीट होता है, वायरस की वजह से येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी जिसको ओकरा बोलते हैं, ये रोग हो जाता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट वी हैव कौन कौन से डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं एनिमल्स में, जैसे बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स नाम का डिजीज होता है, वायरस की वजह से फुट एंड माउथ डिजीज होता है, प्रोटोजोआ की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है कैटल, पिग और हॉर्सेज में। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन। अभी हमने देखा कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे स्पॉइल्ड आवर फूड, वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी बैड स्मेल हो जाती है, उसका बैड टेस्ट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इसलिए प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। और ये जो प्रोसेस होती है फूड प्रिजर्व करने की, जिससे आप फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस प्रोसेस का नाम ही फूड प्रिजर्वेशन है। अब जो है फूड प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे फूड प्रिजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग शुगर, शुगर डाल करके, बाय एडिंग साल्ट, बाय एडिंग ऑयल एंड विनेगर, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बाय स्टोरेज एंड पैकिंग, बाय एडिंग केमिकल्स। एडिंग केमिकल्स में सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट एंड पोटासियम मेटाबाइसल्फेट, इसको डाला जाता है जैम्स, स्क्वैश और केचप के अंदर ताकि फूड ख़राब ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन क्या होती है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, मिल्क को सबसे पहले हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर उसको अचानक से चिल्ड कोल्ड कर दिया जाता है और फिर स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। मिल्क को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है और इसकी जो डिस्कवरी थी वो लुईस पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। जब राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और लास्ट टॉपिक भी है नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% होती है और इस 78% को कॉन्स्टेंट किया जाता है जिस साइकिल की मदद से, उस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।